हाँ ये नाज़रीन, आज हम आपको बिरयानी बनाने की एक और रेसिपी देते हैं, जिसके लिए हमने ये चने कशिया ली हैं। बिरयानी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बेहतरीन चावलों का होना है। तो ये हमने किला एक्सेल एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन लिए हैं। आज की दुनिया में अवेलेबल जो बासमती राइस हैं उनमें से ये वन ऑफ द बेस्ट हैं। राइस जो है ये हमने 4.5 कप लिए हैं। चिकन हमने ली है, फ्रेश चिकन है और ये करीबन 2 kg होगी। 1 कप फुल योगर्ट का हमने लिया है, 1 कप फुल ऑयल का लिया है और फूड कलरिंग ली है, 10 to 12 ग्रीन कार्डमम्स ली हैं यानी कि हरी इलायची, 1.5 टीस्पून फुल जो है वो हमने गरम मसाले का लिया है पाउडर। साथ हमने मेस पाउडर लिया है यानी कि जवित्री का पाउडर 3/4 टीस्पून, नटमेग पाउडर लिया है वो भी 3/4 टीस्पून ही हमने लिया है यानी कि जायफल का, फ्रेश कोरिएंडर और फ्रेश मिंट हमको चाहिए होगा, प्रून्स चाहिए होंगे यानी कि आलू बुखारे। बाहर के ममालिक में जो प्रून्स मिलते हैं वो ये वाले आलू बुखारे नहीं होते, तो जब आपने पकाने के लिए इस्तेमाल करने हो तो प्रून्स जो हैं वो इंडियन या पाकिस्तानी स्टोर से आप खरीदें। 1 होल लेमन लिया है। स्पाइसेस में 1.5 टीस्पून क्रश्ड चिलीज ली हैं, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स और 1.5 टीस्पून फुल जो है वो हमने सॉल्ट का लिया है। 2 इंचेस का पीस जो है वो जिंजर का लिया है। 1 होल गार्लिक लिया है। 2 मीडियम टू लार्ज साइज अनियंस लिए हैं। राइस को बॉईल करने के लिए हमने ये चीजें अलग रखी हुई हैं। 3 to 4 क्लोव्स ली हैं। दालचीनी ली है यानी कि सिनेमन 2 इंचेस का पीस होगा और 2 टेबलस्पून फुल जो है वो हमने सॉल्ट का लिया है। अब हम पकाने की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अनियन जो है उसको स्लाइस कर लेंगे और जिंजर जो है उसको भी हमने पील कर लेना है। इसके बाद हम सबसे पहले कुकिंग ऑयल जो है वो अपनी कुकिंग पॉट में डालेंगे, फिर हम इसमें अनियन जो थे वो हम इसमें ऐड किए लेते हैं। दूसरी तरफ हमने बहुत सा पानी जो है वो बॉईल होने के लिए रख दिया है और उसमें सॉल्ट सिनेमन और क्लोव्स थी वो डाल दी हैं। अब हम ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालकर जिंजर और गार्लिक को पीसे लेते हैं और साथ ही हमने ये जो धनिया पुदीना रखा हुआ था यानी कि कोरिएंडर और मिंट इसको हमने काट लेना है। चावल जो हैं वो हमने 1-1.5 आवर से भिगो रखे हैं पानी में। अब हमने इनको बॉइलिंग वाटर में डाल देना है और ये है कि इनको डालते ही हमने हिलाना ज़रूर है, वरना ये है कि ये थोड़े जुड़ जाएंगे। अब ये देखिए प्याज का क्या रंग हो गया है, इसको आप गौर से देख लें, क्योंकि आपकी डिश का जो कलर है, खूबसूरती है, वो प्याज के कलर पर मुनहसिर होती है। अब इस वक्त जो है वो हमने इसमें चिकन ऐड कर देनी है और इसको थोड़ा सा भून लेना है। चिकन को हमने थोड़ा सा हिलाकर ढक दिया है। इतने में ये देखिए हमारे जो राइस हैं ये करीबन बॉईल हो गए हैं। इनको हमने एक कनी उबालना है यानी कि अभी बीच में थोड़ा सा बारीक सा जो है ग्रेन है इनके अंदर। अब जब चिकन का पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया है, इस वक्त हमने इसमें गार्लिक और जिंजर जो पीसा था वो डाल देना है और इसको फिर थोड़ा सा भून लेना है। अब हमने ये जो इसमें स्पाइसेस थी ये ऐड कर देनी है, सॉल्ट, क्यूमिन सीड्स, कोरिएंडर पाउडर और क्रश चिलीज। अब हमने इसमें ग्रीन कार्डमम, गरम मसाला, मेस पाउडर, नटमेग पाउडर और प्रून्स जो हैं वो डाल दिए हैं। बहुत से लोगों को हमसे ये शिकायत होती है कि हम ये स्पाइसेस के नाम जो हैं ये इंग्लिश में क्यों लेते हैं, तो उनके लिए अर्ज है, सिर्फ उर्दू व्यूअर्स नहीं हैं इस चैनल को देखने वाले, हज़ारों लोग जो हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस रखने वाले वो इस चैनल को देखते हैं और उनके लिए ये सहूलत होती है कि वो गूगल में इंग्लिश नाम डालकर उस स्पाइस की तस्वीर देख सकें या उसको सर्च कर सकें। ये चैनल जो है ये तो फैज़-ए-आम है, इस पे से कोई भी फ़ायदा उठा सकता है और उर्दू में देने का मकसद ये है कि इन रेसिपीज़ को जो कि मेनली पाकिस्तानी रेसिपीज़ हैं, जितने बेहतर तौर पर हम इनको उर्दू में समझा सकते हैं हम इनको किसी भी और लैंग्वेज में नहीं समझा सकते। जब इसका ऑयल अलग होने लगे चिकन का, उस वक्त आपने इसमें ग्रीन चिलीज जो है वो डाल देनी है। अब जब ये बिल्कुल ड्राई सी हो जाए इसमें आपने योगर्ट ऐड कर देना है और इसको फिर आपने भून लेना है। योगर्ट को आपने बिल्कुल खुश्क कर देना है चिकन के साथ ही, वरना यह है कि आपके चावल जो हैं बिरयानी के वो सौगी हो जाएंगे। ये देखिए कितना खुश रंग और मज़ेदार कोरमा जो है वो तैयार हुआ है। मसाला जो है इसमें कंजूसी से नहीं डालना, वरना आपकी बिरयानी मज़ेदार नहीं बनेगी। चावल जो हैं वो आधे से थोड़े ज़्यादा हमने राइस कुकर में बिछा लिए हैं। इस वक्त आपने ये जो है मसाला ये सारा चावलों पर डाल देना है। ये देखिए अब जो हमने शुरू में आपको लेमन दिखाया था वो हमने स्क्वीज किया हुआ है और उसको हमने
इस चिकन के ऊपर डाल देना है, और साथ ही हमने जो फ्रेश कोरिएंडर और फ्रेश मिंट जो है काटी थी उसको इस चिकन के ऊपर फैला देना है। अब बाकी का जो राइस है वो चावलों के ऊपर डाले लेते हैं, और इनको अब हमने बराबर कर देना है दम के लिए, समझे। अब हम इस पे फूड कलरिंग छिड़क लेते हैं। राइस कुकर जो है उसको कुक पे डाल दिया है, ऑटोमेटिकली ये थोड़ी देर बाद दम पे चला जाएगा, और करीबन 20 मिनट्स के बाद हम अपना राइस कुकर जो है उसको खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए हमारी बिरयानी जो है वो बिल्कुल तैयार है। बहुत ही खुश रंग और खुश जायका बिरयानी जो है वो इस रेसिपी से तैयार होती है। खासकर बच्चों वाले घरों के लिए ये बिरयानी जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें साबुत गरम मसाला नहीं है तो फिर ये मुंह में नहीं आता। खुदा करे कि ये रेसिपी आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।